भारत जापान 2+2 वार्ता के लिए सहमत, पीएम मोदी। भारत और जापान की एक गहरी समानता भी है। एक्सलेंसीज, जापान और भारत के संबंधों को हिंद और प्रशांत महासागरों से गहराई और विस्तार प्राप्त है। ये संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रताओं के प्रति और रूल ऑफ लॉ के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। अपने संबंधों के आगामी विकास के लिए एक विशाल विजन पर कल और आज आबे-सान के साथ मेरी बहुत उपयोगी बातचीत हुई है। आज इस साझा विजन पर हमने हस्ताक्षर भी किए हैं। कल यह हमारे भविष्य को नई रोशनी देगा। हमारे बीच पूरी सहमति है कि हम अपने सहयोग को डिजिटल पार्टनरशिप से साइबर स्पेस तक, स्वास्थ्य से रक्षा सुरक्षा तक और सागर से अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में अबाध गति देंगे। मुझे बताया गया है कि आज जापान के निवेशकों ने भारत में $2.5 बिलियन के नए निवेश की घोषणा की है। इससे भारत में लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन इसके रूप स्वरूप पर प्रश्न है। किसका फायदा होगा, क्या करना होगा, ऐसे बहुत से सवाल है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत और जापान के सहयोग के बिना 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती। आबे-सान और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जापान का प्रवेश विश्व के हित में ऐसे सहयोग का एक और उज्जवल उदाहरण बनेगा।